हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आज बहुत ही कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज लॉन्ड्री कर ही लेते हैं और आपको भी दिखा देती हूँ कि यहाँ लॉन्ड्री प्रोसेस कैसे होता है, कैसे कपड़े मशीन में डालते हैं, कैसे कपड़े सुखाते हैं, तो वो भी मैं आज आप सबको दिखा देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ, आप भी मेरे साथ लॉन्ड्री रूम। हर अपार्टमेंट में जो लॉन्ड्री रूम होता है वो होता है अपार्टमेंट के बेसमेंट में, तो हम भी चलते हैं हमारे अपार्टमेंट के बेसमेंट में। और यहाँ पे जो लॉन्ड्री होती है वो कॉमन लॉन्ड्री होती है, यानी सबके बीच में। यहाँ से नीचे आते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है बेसमेंट। जैसे ही नीचे जाते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है बेसमेंट। और यहाँ पे साइकिल वो सब भी पार्क होता है। और ये है लॉन्ड्री रूम। अपार्टमेंट में जितने लोग रहते हैं सबके बीच में ये लॉन्ड्री कॉमन रहती है। और ये जो है वो है टाइम लिस्ट। आपको एडवांस में ही यहाँ पे किस दिन आपको कपड़े धोने हैं और कौन से टाइम पे धोने हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। विदाउट एंट्री आप यहाँ कपड़े नहीं धो सकते हैं। और जिस दिन और जिस टाइम का आपने स्लॉट बुक किया होता है उस टाइम पर कोई और लॉन्ड्री रूम यूज़ नहीं करता है। सबसे पहले मशीन में आपको जो कपड़े धोने होते हैं वो डालने होते हैं। उसके बाद जो वॉशिंग लिक्विड आता है वो डालना होता है। उसके बाद जो ये है वाटर टैप, उसको ऑन करना होता है। ऊपर जो स्विच है उसको भी ऑन करनी पड़ती है। और उसके बाद ये जो है लॉन्ड्री कार्ड, उसको ये मशीन में हमें स्वाइप करना होता है, तब जाके ये लाइट होती है और उसके बाद ही जो मशीन है वो चालू होता है। ये कार्ड के बिना आप ये मशीन चालू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग अपार्टमेंट पे रहते हैं सबको ऐसा लॉन्ड्री कार्ड मिला होता है, और वो आपके पास होता है तो ही आप कपड़े धो सकते हैं। ये जो स्वाइप मशीन है वो आपके मीटर के बिल के साथ कनेक्ट होता है, तो जितनी बार आप लॉन्ड्री कार्ड स्वाइप करोगे तो वो बिल आपके लाइट बिल में ऐड हो जाता है। अब कपड़े जब धुल जाते हैं तब ये जो लाइट दिख रही है ब्लिंक हो रही है, वो ऐसे ब्लिंक होने लगती है, तो उसको प्रेस करते हैं तो मशीन होता है वो ओपन हो जाता है और हमें अपने कपड़े ले लेने हैं उसमें से। और जहाँ वॉशिंग मशीन है उसके जस्ट सामने ही है, ये है ड्रायर रूम। तो ये जो सामने दिख रहा है वो बड़ा सा ड्रायर है, और ड्रायर रूम में ऐसे डोरियाँ हैंगिंग की होती है। ये है ड्रायर। और ऐसे स्टैंड भी रखे होते हैं तो आप उसके ऊपर भी कपड़े सुखा सकते हैं।
और ड्रायर रूम में कपड़े सुखाने के लिए क्लिप भी होती है, तो आप अपने कपड़ों के ऊपर क्लिप भी लगा सकते हो। जब सनी डे होता है तब तो मैं मेरी बालकनी में ही स्टैंड में कपड़े सुखा देती हूँ, तो सनलाइट में वो आसानी से सूख जाते हैं। और जब रेनी डे होता है या बाहर बहुत ठंडी होती है तो कपड़े ड्रायर रूम में सुखाने पड़ते हैं। सारे कपड़े सुखा दिए हैं और ये कपड़े 4 to 5 hours में अच्छे से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने ड्रायर रूम में जो कपड़े सुखाए थे वो अभी 5 घंटे के बाद सूख गए हैं। मैं उसको लेके ऊपर आ गई हूँ और अभी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो ये होती है हमारे यहाँ कपड़े धोने की पूरी प्रोसेस। तो आपको ये प्रोसेस कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।